नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि फला गाना है वो आपने सी शार्प से क्यों बजाया है, एफ शार्प से क्यों बजाया है, उसको आप एफ से क्यों नहीं बजाते, उसको आप सी से क्यों नहीं बजाते, इस प्रकार के सवाल जनरली आते हैं। और उसका आने का रीजन ये है कि एक्चुअल में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि प्रॉब्लम आपको वाकई आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि जब हम स्केल की बात करते हैं तो देखिए, किसी भी सिंगर ने किसी भी गाने को जो गाया है वो किस स्केल में है, ये आपको सबसे पहले तो आपको वो फाइंड करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए या तो आप कोई चले जाएं गूगल के ऊपर और वहाँ पे ढूंढें कि फला गाना है वो कौन सी स्केल में है, वो आपको वहाँ से अगर डाटा अवेलेबल हुआ तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो ऐसे शायद कुछ और भी अल्टरनेट हो जो आप लोगों को पता हो, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो पूरा का पूरा जो शुद्ध और देसी वो पैटर्न है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आप उस गाने को अपने मोबाइल में प्ले करिए, ठीक है, मोबाइल में प्ले करिए और इतना करिए कि आप सुन सकें। और प्ले करने के बाद में आप उस गाने के जो सुर, चाहे वो सिंगर फीमेल है चाहे मेल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी जो आवाज़ जहाँ मैच हो रही है कि वो यहाँ से गा रहा है यहाँ से गा रहा है, आप उसको उसकी आवाज़ सुन करके और ऐसा मैच कर सकते हैं। अब वो चीज़ क्या है, वो कैसे होगी, वो मैं करके बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से करना, आप जब वो गाना सुनोगे ऐसे मोबाइल साइड में बजा के रखना और आप उसको सुन करके उसके सुरों को मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि कोई गाना जिसका ट्यूटोरियल आपने देख लिया है या वो आपको आता है, ठीक है। कैसे करेंगे हम कंसेप्ट कि कोई ट्यूटोरियल, जैसे आपको वो गाना आता है, आपने देख लिया, आप जानते हैं, अब आपको उसका ओरिजिनल स्केल ढूंढना है तो क्या करेंगे, उस गाने को आप बजाएंगे, आपको उसके सुर का तो पता है ही, ठीक है, और आप उसको सुर मैच करेंगे। अब जब सुर मैच करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैंने तो यहाँ से सीखा था सारे गा मा पा धा नी ऐसे था, अब ये तो पता नहीं यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ यहाँ पे बज रहा है तो यहाँ पे मैं कैसे ढूंढूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि देखिए हम क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुर संगम का वीडियो देखते हैं और जब मैं उसके अंदर बात करता हूँ कि इसके अंदर गाधानी कोमल है तो फला थाट है, माँ तीव्र है तो फला थाट है, ये है तो वो थाट है, जब मैं थाट की बात करता हूँ तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये आपने इस गाने में थाट के बारे में बताया तो मुझे थाट के बारे में बताइए। अब आप जानते हैं कि थाट के लेसन को डले हुए कितने महीना हो गया है और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने रट भी लिए हैं। तो सबसे पहले आप थाट के जो लेसन हैं उनको स्टेप बाय स्टेप, अलंकार इनको आप रटें, तैयार करें, और उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। बाकी अगर आप सीधा ही, जैसे कि ABCD हमको पता नहीं है और किताब पढ़ने जाएंगे या बुक की रीडिंग मारने जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप जानते हैं, इसमें समझाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अब हमको क्या करना है कि उस गाने को सुन करके उसके सुर मैच करना है। तो अब सुर जब मैच करेंगे तो आपको मैं एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि हमारा जो ये हारमोनियम हो चाहे कीबोर्ड हो, उसके अंदर कोई भी सुर के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो वो हमारा सा होगा, और उसके बाद में जो 12 सुरों का जो पैटर्न है कि सा के बाद में तुरंत रे कोमल आता है, फिर रे शुद्ध आता है, फिर गा कोमल, फिर गा शुद्ध, फिर मा तीव्र, फिर पा, फिर धा कोमल, फिर धा शुद्ध, फिर नी कोमल, फिर नी शुद्ध, फिर तार सप्तक का सा आ जाता है।
तो ये जो पैटर्न है, जब तक आप इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इनको नहीं याद करेंगे, तब तक आप स्केल के बारे में बात करते हैं तो गलत है, सीधा सीधा। तो आप सबसे पहले जो सुरों का कॉम्बिनेशन है, सुरों का स्टाइल क्या है, किस व्यवस्था के अंदर वो अरेंज होते हैं हमारे हारमोनियम में, जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे, स्केल की बात करना मेरे हिसाब से गलत है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपने उसका स्केल ढूंढा कि वो मान लो कि यहाँ से है, तो आप यहाँ से बजा दीजिए ना। अगर मान लो कि आपको यहाँ से लग रहा है तो ये सा हो गया, इसके एक छोड़ करके रे, फिर ये गा, फिर ये मा, फिर ये पा, फिर ये धा, और फिर वापस आओ पा मा गा रे सा, ये नी शुद्ध, ये नी कोमल। इस प्रकार से आप सुरों को आराम से समझ सकते हैं, बैठा सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझना। आप स्केल बजा करके ढूंढिए, बेस्ट वो है, और उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। और ये जो सारे सुर हैं 12 के 12, उनको पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए कि गा और मा के बीच में कोई सुर नहीं होता है, और तार सप्तक का जो सा आता है उससे पहले नी और सा के बीच में कोई सुर नहीं होता है, बाकी सबके बीच में एक एक का अंतर होता है शुद्ध स्वरों में, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि जो हमारा एक गाना है, ये जो गाना है, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा, इसमें सुरों का पैटर्न क्या है? सुरों का पैटर्न ये है, सा रे गा मा पा धा, सा से लेकर के धा तक शुद्ध स्वर है, और सा के नीचे यानी मंद्र सप्तक में एक है नी, वो कोमल है, बस यही सुर है, इनमें पूरा गाना बसता है। अब मैं अगर यहां से बात करूं, ये हो गया मेरा सी शार्प, वो एफ शार्प, सा रे गा मा पा धा, ठीक है, और मंद्र सप्तक में आओ तो ये नी शुद्ध, नी कोमल है, तो नी सा रे गा मा पा धा, ये हमारे सुर हो गए। मैं इसमें इसको बजा सकता हूं, तो कैसे है, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, बज गया। अब मान लो आप ये कहते हैं कि आपने यहां से बजा दिया, चलो मैं इसको बिल्कुल यहां से बजाता हूं, एक सुर पीछे कर लेता हूं, तो ये मेरा सा हो गया, ये सा, ये रे गा, फिर मा तुरंत मा, फिर एक छोड़ करके पा, फिर एक छोड़ करके धा, धा पा मा गा रे सा, और मंद्र सप्तक में आऊंगा तो नी शुद्ध नी कोमल। सा से हम जा रहे थे सीधा धा पे गए थे, तो यहां पर भी सा ये है, तो हम धा पे कहां जाएंगे, यहां पर, एक सुर पीछे हो गया ना, यहां से मैं यहां था तो यहां से मैं यहां रहूंगा, सिंपल है। हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर ना मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा। अब ये मैंने यहां से बजा दिया एफ शार्प से, एफ से बजाया, चलो हम सी शार्प से बजा के देखते हैं, तो इसमें भी वही पैटर्न करना है, सारे गामा पाधा शुद्ध, और मंद्र सप्तक का नी कोमल, सारे गा शुद्ध मा पाधा, और फिर हम मंद्र सप्तक का नी, यहां से, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ, घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर ना मिलेगा, हम जैसा, बज गया। अच्छा अब चलो हम एक काम करते हैं, इसको और पीछे चले जाते हैं, हम बिल्कुल यहां से बजाते हैं, जैसे मैंने ये बजाया था सी एफ शार्प, तो एफ से मैं एफ मंद्र सप्तक का लेता हूं, यहां से हम, ये हो गया सारे गा गा, सारे गा मा पा धा, हो गया सारे गा मा पा धा, पा मा गा रे सा नी, आप यहां से बजा लीजिए, हम
जैसा कहीं आपको दिल में न मिलेगा। घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर न मिलेगा। जैसा कहीं आपको दिल में न मिलेगा। बच गया ना। अब क्या होता है कि मैं उसको सी शार्प से या एफ शार्प से क्यों बजाता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि भाई मेरा जो गला है, मेरे गले की रेंज क्या है, उसके हिसाब से मैं बजाऊंगा ना। क्योंकि मुझे गाना भी है उसको, क्योंकि मैं जब तक गाऊंगा नहीं तो सुर का पता नहीं चलेगा। मुझे पता है एक एक सुर जब तक गा के नहीं बताएंगे आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। और ये जो सुर संगम का जो प्लेटफॉर्म है उसमें सिर्फ हारमोनियम तो एक नाम है कि हारमोनियम हम सीख रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि हारमोनियम से ज़्यादा हम सिंगिंग सीख रहे हैं। क्योंकि किसी गाने की अंतरा कैसे चलती है ये हम 10 बार सुनते हैं तो दिमाग में सेट नहीं होता, लेकिन जब हारमोनियम पर हम सीखते ट्यूटोरियल तो वो दिमाग में सेट हो जाता है। क्योंकि फिंगर्स हमारी चलती हैं, हमको पता है कितना ऊपर जाना है कितना नीचे आना है। तो इसलिए मैं दोनों भी चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आज मेरे गले का अगर लेवल कम है तो मैं नीचे कर दूंगा, अगर गला मेरा एकदम फुल फ्लैश ओके है तो मैं एफ शार्प से बजा लूंगा, इस प्रकार का पैटर्न करता हूँ। या फिर किसी गाने के अंदर अगर मान लो कि सुरों का जो है मंद्र सप्तक में नीचे ज़्यादा आ रहा है, जैसे सा के बाद नी धा पा मा गा तक आ रहा है, तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ से बजाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से बजाऊँगा और गा मैं नीचे आ जाऊँगा तो फिर यहाँ तक तो आवाज़ निकलेगी नहीं, आपको सुनाई भी नहीं देगा, मज़ा नहीं आएगा न समझाने में न मेरे को बताने में। इसलिए ये स्केलों का जो प्रॉब्लम है आपको आता है कि आप सर इसको ओरिजिनल स्केल से बजा के बताइए, तो वो कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई सवाल रहता है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँ या ना दूँ लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट को, ये आप विश्वास करें। और हंसते रहें मुस्कुराते रहें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।